उन्हां दी लड़ाई हलके की तरक्की नहीं, उन्हां दी लड़ाई अपनी कुर्सी है। इट इज अबाउट हिमसेल्फ। मैं यार कुर्सी थोनू एक मिले ना मिले, तुसी हलके लिए की कीता उहदी गल ते आओ। कहिंदी मजीठिया तो अंदर हो जाना, जेल चो लड़ूगा इलेक्शन, पहला बाहर तो आ जाए। लो भैन जी मजीठिया थोड़ी दुआवां सद के बाहर भी आ गया, हुण तुसी कृपा करियो। और मैनू आस है कि नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू नूं नहीं, ऐतकी बिक्रम सौ मजीठिया तकड़ी नूं वोट दो। मैनू लोग बधाई भी दिंदे आ अमृतसर ईस्ट वाले, एक गल है कहिंदा तेरे आए करके उन्हां दे दर्शन होण लग गए, नहीं तां कहिंदा दर्शन ही नहीं होंदे सी, लभदा ही नहीं सी। दर्शन भी कराओ और प्यार नाल गल करना भी सिखाओ। पंजाब दीआं चोणां दौरान बिक्रम सिंह मजीठिया अते नवजोत सिंह सिद्धू दोवें आमो सामने होण जा रहे नहीं। ये लड़ाई दोनों दे सियासी भविख नूं तय करेगी। सिद्धू वल्लों अमृतसर पूर्वी हल्के तो चोण लड़न दे लई मजीठिए नूं चैलेंज किया गया सी, अते ओह चैलेंज हुण मजीठिए ने कबूल कर लिया है। ये ऐलान भावुक होंदे हुए मजीठिए ने खुद किया है। हुण मजीठा हल्के तो उन्हां दी पत्नी चोण लड़नगे। इस मौके बिक्रम सिंह मजीठिया ने नवजोत सिंह सिद्धू ते तिखे शब्दी हमले कीते ने। मजीठे हल्के चो मेरी धर्म पत्नी गनीब कौर जी उथों इलैक्शन लड़नगे और दास अमृतसर ईस्ट श्री अमृतसर साहब दी पूर्वी हल्के तो इलैक्शन लड़ूगा। पॉल जी मैनू सिद्धू साहब का ना मैनू तुसी एक इनसाइक्लोपीडिया समझ लो, ये थोनू सब नू तां चार सकते आ, मैनू नहीं चार सकते। 2007 ते 12 तक उन्हां दी पूरी बनी है और बनन दा कारण मैं दासी देना एग्जाम्पल दे देना, जे ना बनती होंगी तो 12 च उन्हां दी घर दी इसे हल्के चों MLA जद बनती है, हल्का श्रोमणी अकाली दल दा सी, आ बंदा टिकट मंगदा सी, उपकार संधू कित्थे जी, वह चले गए, वह टिकट मंगते सी। इन्हां दोवां दी टिकटां तो माफ़ी मंग के हल्का भाजपा नूं दित्ता ते आ बटाला लिया। सो जे नहीं बनती सी हालात ना पैदा होंदे, छोटा वीर वड्डा वीर भाजी सुखबीर है सब उदों दीआं गल्लां ने। मगर सिद्धू साहब वास्ते और 17 तक वो साढ़े नाल रहे, 16 नवंबर या दिसंबर च सानू छड्डदे आ, फिर उन्होंने कैप्टन साहब को चले गए, साड़ी सरकार तो चले गई, मगर सिद्धू साहब तो कदे आउट ऑफ पावर होए नहीं। उन्हां दी लड़ाई हल्के की तरक्की नहीं, उन्हां दी लड़ाई अपनी कुर्सी है। इट इज़ अबाउट हिम सैल्फ। मैं जिहड़ी उह गल करदे आ ना, वह मैं दी लड़ाई है उन्हां दी। इट्स ऑल अबाउट मी एंड नॉट द हल्का। यार कुर्सी थोनू एक मिले ना मिले, तुसी हल्के लिए की कीता उहदी गल ते आओ। देखो और मैं आप दी भैन नूं भी धन्नवाद करना चाहुंना, नवजोत कौर सिद्धू नूं, मैनूं लगदा तेरा ही सवाल सी कि जी मजीठिया थोड़े खिलाफ आ गया हुण दसो की बनू। कहिंदी मजीठिया तो अंदर हो जाना, जेल चो लड़ूगा इलेक्शन, पहला बाहर तो आ जाए। लो भैन जी मजीठिया थोड़ी दुआवां सद के बाहर भी आ गया, हुण तुसी कृपा करियो। चलो ठीक है जी, ये मैनू लगता है वह ना गल करते हैं कि जमानत भी जब्त होनी है ते काम खराब भी होना ओदा होना जिन्हें हल्के का कुछ किया नहीं। और मैनू आस है कि नवजोत कौर सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू नूं नहीं, ऐतकी बिक्रम सौ मजीठिया तकड़ी नूं वोट दो। मैं की देखना मैं तो फोटो विखाउणी पहले, ये उन्हां समय दीआं फोटोआं ने। देखो एक 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 बंदा, ओ चलो तुसीं स्वाद ला लिओ ज्यादा। देखो
फ्रेम च तो वैसे भी ले आनी तुम ये मैं फोटो ता विखा रहा क्योंकि ये उन्हां समयां दी फोटो है 2007 ते 14 दियां ठीक है ना। सो अज तो उन्हां दी सियासी मजबूरी है मजीठिए नूं 100 पुठे सीधे लफ्ज कहने मगर मैं अज भी सिद्धू साहब की अरदास करदा कि परमात्मा इन्हां नूं भी समत बख्शे इन्हां नूं थरम्मा बख्शे और ये लोगों को प्यार करन दी इन्हां नूं हिम्मत बख्शे। मगर एक अच्छा एक मैनू लोग वधाई भी दिंदे आ अमृतसर ईस्ट वाले एक गल है कहिंदा तेरे आए करके उन्हें दर्शन होण लग गए नहीं तो कहिंदा दर्शन ही नहीं होंदे सी लभदा ही नहीं सी दर्शन भी कराऊं और प्यार नाल गल करना भी सिखाओ। पर असीं बड़ी देर हो गई सानूं सारिआं नूं रिपोर्टिंग करदे आं जी एक चीज़ असीं ऑब्जर्व कीती है जिहड़ी कि जिन्ने पॉलिटिक्स दीआं पौड़ियां चढ़नियां वा उपर जाणा वा मजीठिया नूं गाला कढ लो अकाली दल नूं गाला कढ लो तुसीं इहनूं किवें वेखदे हो कि इह की चक्कर है? गाला कढ के जे उहनां नूं दिल नूं शांति मिलदी है ते भरा मैनूं भी प्रॉब्लम। देखो बंदे नूं खुश होना चाहीदा जे उहनां नूं मैनूं गाला कढे कर ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਛ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੁਛ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਆਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੀਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ नफरत दी राजनीति नूं खत्म करना प्यार दी भावना नूं उजागर करना ये गल उहदी। इस हल्के की लड़ाई हुण होर भी ज्यादा इसलिए दिलचस्प बन जाती है क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अपने आप नूं मुख्यमंत्री दा दावेदार मानते हैं। हुण दोवां लीडरां दी सिद्धी जंग होण जा रही है 10 मार्च के नतीजे साफ करनगे कि माझे का असली जरनैल कौन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। उन्हां दी लड़ाई हल्के की तरक्की नहीं उन्हां दी लड़ाई अपनी कुर्सी है। इट इज अबाउट हिम सेल्फ मैं यार कुर्सी थानू एक मिले ना मिले तुसी हल्के लिए की कीता उहदी गल ते आओ कभी मजीठिया तो अंदर हो जाना जेल चो लड़ूगा इलेक्शन पहले बाहर तो आ जाए। लो भैन जी मजीठिया थोड़ी दुआवां सद के बाहर भी आ गया हुण तुही कृपा करियो और मैनू आस है कि नवजोत कौर सिद्धू नवजोत सिंह सिद्धू नू नहीं ऐतकी विक्रम सौ मजीठिया तकड़ी नू वोट दो। मैनू लोग वधाई भी दिंदे आ अमृतसर ईस्ट वाले एक गल है कहिंदा तेरे आए करके उन्हें दर्शन होण लग गए नहीं तो कहिंदा दर्शन ही नहीं होंदे सी लभदा ही नहीं सी दर्शन भी कराऊं और प्यार नाल गल करना भी सिखाऊं। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो बैल आइकन ते क्लिक करो। की हुंदी है जमाबंदी किवें बनदी है वसीयत जमीन जायदाद के हर मसले पर करांगे चर्चा। देखना ना भुलना साडा खास प्रोग्राम नायब तहसीलदार.com कानून जायदाद का।